सारे लोग पूछते हैं मुझसे, भाई आप अमेरिका में क्या काम क्या करते हैं? तो आज मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूंगा कि मैं काम क्या करता हूँ। तो लेट द थिंग गेट फुल और उसके बाद सीधा चलते हैं काम पे। अच्छा जी, सो आपका भाई पहुंच चुका है आर्बीज और यहाँ से हम अपने दिन का आगाज करेंगे। पहला मील यहाँ से खाएंगे, सो लेट्स ऑर्डर। तो इनके पास बहुत कुछ यहाँ पे होता है, लेकिन लेट्स सी के आज क्या क्या है इनके पास, क्योंकि मुझे नाश्ता मैंने नहीं किया और अभी बज रहे 11 बजे। तो लेट्स सी व्हाट दे हैव। हेलो, हाय एंड वेलकम टू आर्बीज। वुड यू लाइक टू ट्राई आवर प्राइम रिब चीज स्टेक मील टुडे? Please let us know if you have coupons at the time you're ordering. So have your order whenever you're ready. Hi, can I have the hush puppy breaded fish strips? Right, so the meal? Yes. I want small curly fries. Small curly fries? Yes. And a small drink? What? Okay. That's all. So that's a 5-piece fish strip with a small curly fry and a small Sprite? Yeah. $11.43 is your total. I'll be happy to help you at the window. Mm-hmm. Thank you. Have a good one. अच्छा जी, तो ऑर्डर हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, इट्स टाइम टू पे। और यार अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं ना, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, तो सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो फूड पे लगते हैं। मतलब आपका रहने सहने पे इतने पैसे नहीं लगते। हाउ मच इज़ द बिल? हाउ मच इज़ द बिल? 11.43। ओके, 11.43 जी बिल आया है और फॉर स्मॉल फ्राइज और साथ में फिश स्ट्रिप्स, ठीक है। So we'll get that and then देखेंगे आगे कि आगे हमने क्या करना है। तो let's see. Thank you. अच्छा जी, तो finally ये इनके fries है, curly fries, और ये जी है fried fish. तो भाई आपका दिन का आगाज protein से कर रहा है। अच्छा जी, तो खाना शाना सब कुछ हो गया है, I'm done with breakfast. दिन का पहला meal था और पहला meal ही हमने बाहर से शुरू किया है, लेकिन अब जाएंगे, हमारे पास गैस नहीं है यहाँ पे, तो गैस भरवाएंगे और उसके बाद मैंने जाना है जॉब पे नहीं, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, लेकिन आई विल जस्ट शो माई सेल्फ कि मैं आ गया हूँ। और कुछ काम वहाँ पे रहते तो वो मैं कर दूँगा और उसके बाद हम इंजॉय करेंगे दिन को। तो चलते गैस भरवाते हैं और लेट्स सी। टन 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 टन। आपका भाई पहुंच गया है गैस स्टेशन और ये देखिए ये कौन सी गाड़ी है, पता नहीं, जो भी है हमारे रेंज से बाहर है। सो वी विल स्टे हियर और गैस भरवाएंगे क्योंकि टैंक इज एम्प्टी। ये देखिए जी, बिल्कुल एम्प्टी, 3 डॉट्स। तो जाएंगे गैस भरवाएंगे। तो लेट द टैंक गेट फुल। और ये अमेरिकन गैस स्टेशन है, तो गैस स्टेशन पे हमेशा ही मैं आई ट्राई टू फिल इट अप विद हाई ओक्टेन, ठीक है, हाई ओक्टेन से फिर थोड़ी ज़्यादा एवरेज देती है, बट लेट्स सी के कितनों पैसों में टैंक भरता है। तो मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि मैं काम क्या करता हूँ। तो लेट्स सी कैसा गुजरता है हमारा दिन आज। ये जी आ गए 36-37, तकरीबन $40 आ जाएंगे, $40 फॉर 2 डेज, क्योंकि 2 डेज बाद मुझे, हर 2 दिन बाद मुझे टैंक भरवाना पड़ता है। तो ये आ गए जी, ये देखे जी आ गए, आई एम ट्राइंग अगेन एंड अगेन, ये जी आ गए $41, ठीक है, $41 में हमारा टैंक फुल हो गया है। तो लेट्स सी ये भी, लेट्स गो। गैस सब कुछ हो गया है, एसी ऑन है, एसी भी हाई कर देते थोड़ा, और लेट्स गो, चलते हैं अभी काम पे। तो ये मैं आया था होम डिपो, होम डिपो से मैंने कुछ चीज़ें लेने थी अपने ऑफिस के लिए, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका बिकॉज मैं बहुत बिजी था, लेकिन ये मैंने कुछ चीज़ें ली है, ब्लॉग में आ जाएंगे और आप लोगों को भी पता लग जाएगा। तो होम डिपो में आपको सब कुछ मिल जाता है। ये मैंने पाइप लिया है कि मुझे पाइप चाहिए था, पाइप के साथ मैंने लिया है ये स्प्रिंकलर, ठीक है, ये पौधों के लिए है बेसिकली, ये भी पौधों के लिए है। और ये रख देंगे यहाँ पे, कार्ट यहाँ पे छोड़ जाएंगे, यहाँ पे नहीं, कार्ट हमने यहाँ पे छोड़ लिया, तो ये यहाँ पे हम, ये जी यहाँ पे आ गई कार्ट और अब जाएंगे, मैं सीधा जाऊँगा ऑफिस, क्योंकि ये मैंने किसी शेल्टर हाउस में देने हैं, तो ये इग्नोर कर दें। चले लेट्स गो, ये भी हो गए, ये काम भी हो गए जी, आपके भाई ने ये काम भी कर दिया।
सो आपके भाई को दोबारा से भूख लगी है, मतलब हमने अभी 2 घंटे पहले नाश्ता किया था आर्बीज से, और अभी दोबारा आई एम ट्राइंग सम स्मूथीज क्योंकि भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है. सो लेट्स ट्राई सम स्मूथी. ये मैं आया हूँ जी स्मूथी किंग, ठीक है, बिकॉज़ दे हैव वेरी गुड वैरायटी ऑफ शेक्स. तो ट्राई करेंगे, कुछ खाएंगे, बनाना शेक या स्ट्रॉबेरी शेक, और उसके बाद दोबारा से कुछ खाते हैं क्योंकि जिंदगी है खाने वाली चीज. पैसे हम किस लिए कमाते हैं? खाने के लिए कमाते हैं ना. तो मैं व्लॉग भी बनाता जा रहा हूँ और आप लोग एस्टिमेट भी करें ताकि आप लोगों को पता चले कि ऑन एवरेज अमेरिका में एक दिन के कितने पैसे लगते हैं. सो ऑन एवरेज मैंने $40 का गैस डाला, ठीक है, $11 मैंने आरबी से नाश्ता किया, और बस आप काउंट करते जाए. तो लेट्स सी व्हाट दे हैव. Can I have a strawberry smoothie with no sugar, and then can I add almonds and some wild blueberries? Thank you. हो चुका है. Now all we have to do is to pay, और smoothie पियेंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे. Let's try something new food. So do you guys think कि मैं food content भी start कर दूँ? Should I make like फूड व्लॉग्स? क्या सोचते हैं आप? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मैं बस खाता ही खाता हूँ. सो व्हाई नॉट आई एम थिंकिंग इफ आई कैन शो यू गाइस कि अमेरिका में आप लोगों के साथ कौन सी वैरायटी है यहाँ पे. इफ यू गाइस थिंक दैट आई शुड, तो प्लीज कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. और सब्सक्राइब करना ना भूले. ये जो मैं सारे व्लॉग्स बना रहा हूँ, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइस. यू गाइस आर सपोर्टिंग, कमेंट्स आ रहे, सब्सक्राइबर्स आ रहे, and I'm making vlogs. For the wait. You are fine. You got the receipt? No, thank you. Here you go. $12 ka hame mila hai smoothie, theek hai. And thank you so much. You too. To hum try karenge smoothie. What you are? Wow. So after smoothie, mujhe bahut bhookh lagi thi. So I order a malai boti roll and some chicken tikka for myself. I order kiya hai Bandu Khan se. Bandu Khan is a Pakistani restaurant. Main vlog nahi bana saka kyunki mere phone mein charge nahi tha, lekin I charge my phone now. Aur ye malai boti roll main aap logo ko dikha do, ye dekhiye ji. This is the most delicious malai boti roll in America. Aur wo raha piche Bandu Khan. Ye dekhiye ji, ye uff tamam. उफ, क्या ही बात बताऊं मैं आपको इस रोल की, क्योंकि दिस इज माय थर्ड मील ऑफ द डे. आप लोगों को पता ही होगा कि मैं सुबह से खाता ही रहा हूं. तो इसके बाद मैंने रखना है सामान ऑफिस में, और ऑफिस के बाद मैंने जाना है सीधा जिम. तो ये खत्म करके मैं चलता हूँ ऑफिस और रखते है सामान वहां पे. जी तो मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ, और ये जी रहा ऑफिस का बिल्डिंग. ये पूरा एरिया देख ले, कोई भी नहीं है बिकॉज इट्स वीकेंड. और जाएंगे, मैं ये सामान रखूँगा, ठीक है. ये मैंने सामान लाया है, पाइप मुझे चाहिए था क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नए पौधे लगे हैं, तो उसके लिए मुझे पाइप चाहिए था. और यहाँ पे लिफ्ट भी लगा है, और अभी हम जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर. तो सेकेंड फ्लोर, और बस मैंने सामान रखने और सामान रख के मैंने निकलना है, क्योंकि काम आसान करने में आज यहाँ आया हुआ था. सो आई थॉट कि मैं सामान रख दूंगा और आप लोगों को ऑफिस भी दिखा दूंगा, तो आप लोग देख सके. ये जी हम पहुंच गए सेकेंड फ्लोर, ये देखिए, ठीक है. और यहाँ पे जी ये हम आ गए अंदर. सारे जो मेरे पीछे दीज आर अपार्टमेंट्स, और and they are on rent, ठीक है, ये rent पे है. and this is my office. चलो call लेते हैं, ये मैंने पहले से खोला हुआ है. ये देखिए जी, ये मेरे vlogging का सामान पड़ा है. lights क्यों नहीं है यार, on हो जाए. अच्छा जी, तो ये यहाँ पे रखेंगे. तो ये हमें यहाँ पे रखेंगे, चेयर पे रखेंगे, ठीक है. और जो मैं व्लॉग्स बनाता हूँ वो मैं इससे बनाता हूँ, ये यहाँ पे पड़ा होता है, एंड देन आई रिकॉर्ड वीडियो.
तो दिस इज ऑफिस जी, ये मैं आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में बनाऊंगा कि इस ऑफिस में मैं काम क्या करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं आज छुट्टी है पूरी बिल्डिंग की, सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे। तो ये मैं आपको दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा, उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फिर आप लोग जानोगे कि मैं काम क्या करता हूँ, भाई अमेरिका में काम क्या करता है। तो उसके लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक वीडियो। मैं व्लॉग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जाना है अभी जिम, और जिम का अलग व्लॉग आएगा। तो यहाँ पे मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, बहुत बिजी, क्योंकि अभी हो रहा है टाइम जी इस वक्त 5 PM और मैंने निकलना है जिम के लिए। व्लॉग यही था और शुक्रिया आप लोगों के लिए कि आप इतना सपोर्ट दे रहे हैं मुझे। बस मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।